पदार्थ हल्दीराम नमकीन में निकला प्लास्टिक के रोड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्रिया गुप्ता। खबर उत्तर प्रदेश जिला मेठी विकास खंड सुकुल बाजार के अंतर्गत कस्बा मोहना पूरब का है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा हल्दीराम नमकीन खट्टा मीठा 200 ग्राम पाउच खरीद कर घर को ले गए और जब वह नमकीन के पैकेट खोला और शाम को चबाना शुरू किया तो उसके अंदर प्लास्टिक के दाने निकल रहे थे। वे दाना ऊपर से उसमें बेसन लगा हुआ था और उसके अंदर प्लास्टिक के दाने पर्याप्त थे। व्यक्ति का नाम मोहम्मद रफीक निवास मदार निमाजगढ़। आइए देखते हैं विंदेश कुमार की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं रिपोर्टर विंदेश कुमार इस वक्त पहुंचा हूं जिला मेठी विकास खंड सुकुल बाजार के अंतर्गत कस्बा महोने में, जहां पर जीवन से खिलवाड़ करने वाला काफ़ी समस्या सामने आई है। ये चकित, बहुत ही चकित की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आज आम नागरिकों के बीच में अपना खाद्य प्रोडक्ट उतार कर उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इस पे भरोसा नहीं होता कि अगर ये खाने वाला प्रोडक्ट अगर कहीं इसमें कुछ मिस्टेक होता है इतनी बड़ी कंपनी का, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैन्युफैक्चरिंग या कोई अन्य, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ऐसा ही मुद्दा हमारे सामने आया है। मैं इस वक्त बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हल्दीराम नमकीन है, हल्दीराम कंपनी की खट्टा मीठा नमकीन है। ये जो है कि इसमें जब भाई साहब ने ले गए चबाने के लिए, तो इसमें देखा कि एक प्लास्टिक के थोड़े थोड़े दाने निकल रहे हैं इसमें। जब इन्होंने चबाना शुरू किया ले जाके, परसों की बात है, शाम को अपने घर पे, तो उसमें छोटे छोटे रोड़े निकल रहे थे। तो ये मानना है कि बताइए, इतनी बड़ी हल्दीराम कंपनी में अगर इस तरह का कोई हादसा होता है, कांड होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो भाई ने नमकीन लिया है और चबाने के वक्त इनके मुंह पर जो है प्लास्टिक के रोड़े निकले हैं। आइए मैं उन रोड़ों को दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय मेरे कैमरामैन के माध्यम से, ये देखिए, ये रोड़े हैं, ये नमकीन, इसी तरह के नमकीन में रोड़े निकल रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारी होंगे या इसमें और कुछ कर्मचारी होंगे? तो ऐसा है कि जीवन के साथ, गरीबों के साथ में जीवन का खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहाँ आपने शिकायत किया? मैंने उसको शिकायत किया तो उसने कहा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी कहीं से लेके आता हूँ। तो मैंने कहा भाई लेके आते हो लेकिन ये कोई बात थोड़ी ना, अगर ये पेट में चला जाएगा तो क्या होगा? जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटे दुकानदार उसमें उनकी गलती ही क्या है, छोटे दुकानदार को अगर बड़े दुकानदार अगर पकड़ा रहे हैं बेचने के लिए, तो उसमें छोटे दुकानदार की क्या गलती है? क्योंकि वो अपना दो पैसा पाने के लिए गुमटी खोल कर बैठे हैं, कोई 10-20 हज़ार कहीं कोई। मगर ये जो बड़े डीलरशिप हैं, या तो ये हल्दीराम के नाम पर ये लूट काफ़ी कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़, मेरी आदेश है सरकार से, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ये नमकीन को चेक कराई जाए, उसके बाद में जो अपराधी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं प्राइम न्यूज 24 रिपोर्टर विनय कुमार, नमस्कार।